पिछले 10 दिनों से ई ट्रेडिंग और मेरी फसल मेरे ब्यौरा के विरोध में बैठे जींद के अनाज मंडी के हड़ती सरकार की बेरुखी के चलते लगातार हड़ताल के कारण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हड़तियों के हड़ताल के कारण 10 दिन पूरे हो जाने के बाद हड़तियों ने अनाज मंडी में लामबंद होकर सरकार के खिलाफ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रदर्शन किया गया, खाली पीपे बजाकर अपना विरोध जारी कर दिया। वहीं किसान जो इक्का दुक्का अनाज मंडी में आ रहे हैं उन्हें उनके गेहूँ की खरीद में लेट लिपि के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनाज मंडी की हड़तियों का कहना है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा ई ट्रेडिंग प्रणाली के विरोध में व पुरानी नीति लागू किए जाने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हड़तियों में सरकार के प्रति रोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अनाज मंडी में गेहूँ की फसल को लेकर आए किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार द्वारा मंडी में गेहूं लाने के लिए देर रात सूचित किया जाता था और वे सुबह 8 बजे अपनी गेहूं की फसल की ट्राली में लादकर अनाज मंडी के गेट पर पहुंचे, जहां लंबा इंतजार करने के बाद उन्हें गेट पास नहीं मिला। लगभग 3 घंटे बीत जाने के बाद वे जबरन मंडी में आ गए और अपनी गेहूँ की खरीद के लिए एजेंसी की प्रतीक्षा करने लगे, मगर कोई भी खरीद एजेंसी उनकी गेहूँ खरीदने के लिए नहीं आई। हमारी मंडी में स्ट्राइक ने, हरियाणा की मंडियों में स्ट्राइक ने कम से कम भी 10 दिन हो चुके हैं और सरकार अपने हठधर्मे अपना रही है और हम किसी प्रकार से स्ट्राइक से उल्टे नहीं हटेंगे और कंटिन्यू हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हमारी स्ट्राइक चलती रहेगी। आज किस तरह का विरोध दर्शाया? आज विरोध हमने मंडी में अपना पीपे भिजवाए लोगों से और हमारे आड़ती भाई सब और किसान भी हमारे कुछ साथ थे और मजदूरों के भी हमारे साथ हैं और हमारे अनिश्चित काल के लिए हड़ताल है। यही हमारी वह सरकार से अनुरोध है कि हमारी मांगे मान ली जाए। पर्पज पहले यही था, हमारे खाते में पेमेंट आया कर दी, किसी प्रकार के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं थी और ये रजिस्ट्रेशन खत्म होनी चाहिए, इस प्रकार की ये गाइडलाइन नहीं लानी चाहिए सरकार को। तो नुकसान आपको? ये हमारे को नुकसान और किसान को नुकसान है। किसान के किले तो 20 लगा रहा है और उसकी गेहूँ लिख रखे हैं 20 क्विंटल और बोले इतने गेहूँ कहाँ से कैसे करेगा, ये भी सिस्टम इसका इनका ख़राब हो रहा है, इसे चलने वाला नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आड़तियों ने विरोध किया हुआ है क्योंकि इस जो प्रणाली से किसी भी किसान को किसी भी आड़ती को प्रदेश सरकार को कोई लाभ नहीं है। ये सरकार बिल्कुल अपनी हठधर्मिता अपनाए हुए है। पूरे देश प्रदेश का किसान आज दुखी हालत में है और आड़ती किसानों की हमेशा मदद करता है, आज भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कल धक्के से कुछ गेहूँ की खरीद की फॉर्मेलिटी की गई थी, लेकिन आज एक भी दाना जींद की अनाज मंडी के अंदर नहीं खरीदा गया है, जिससे आज यहाँ के किसान बिल्कुल परेशान हैं और आज किसान को आज के मौके पे फसल उसकी पक्के तैयार हो गई है, आज किसान को पैसे की ज़रूरत है। आज कंबाइन वाले की कटाई के पैसे देने हैं, तूड़ी बुनाई के पैसे देने हैं, आने वाले समय की जो भविष्य की जो फसल उसने बिजाई करनी है उसके पैसे देने हैं, बीज खरीदना है, कल्टीवेशन करवाना है, आज किसान के पास कुछ नहीं है। आड़ती से कैसे मांगे, क्योंकि आड़ती के पास वो क्यों? ई ट्रेडिंग का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ई ट्रेडिंग से हम ये पूछना चाहते हैं प्रदेश सरकार को और हिंदुस्तान की सरकार को क्या लाभ होगा? ना किसान को लाभ है, ना आड़ती को लाभ है, ना सरकार को लाभ है। ये ई ट्रेडिंग का मतलब है लोगों की बेवकूफ़ बना करके गेहूँ न खरीदने का नया ड्रामा है कोरोना की आड़ में, वो भी मैं कहना चाहूँगा। आपको सुनना? मेरा नाम सुनील कंडेला। क्यों लेगा जी हमारे क्यों? पहले तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन करे हुए हो गए 2-2.5 महीने। कल शाम ना 8:38 में टेलीफोन करा कि कल आप क्यों ले आओ, आपका नंबर आ रहा है। क्यों तो लिया है 2.5 घंटे हमने गेट पकड़े रखे, बोले आप CI का आदमी आओगा और जब आपका गेट पास बनेगा। वो जी 8 बजे के हम गेट पकड़े रहे, 10:30 बजे जबरदस्ती जूँ गिर बढ़ गई। वो FCI का आदमी अब तक नहीं आया है, हम परेशान बहुत हो रहे हैं।